अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक 6 माह की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत अलग से स्टाइल में फ्रॉक बनाना आपको सिखाऊंगी। और पैरेट कलर का ये कपड़ा मैंने लिया है और इस पे वाइट कलर का कंट्रास्ट करके बहुत ही खूबसूरत अलग से स्टाइल में फ्रॉक बनाने वाली हूँ। ये कपड़ा मैंने ले लिया है, इसको 4 तहों में मैंने फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद इस कपड़े की जो मैं लूँगी विड्थ लूँगी 10 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो 13 इंचेस बन रही है मेरे पास। तो और इसके बाद ये अलग से मैंने कपड़ा लिया है और ये ऊपर वाली पेटी जो मैं बनाऊंगी 7.5 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है और 6.75 इंचेस जो है वो मैंने इसकी लेंथ रख ली है। अब उसके बाद जो है यहाँ से मैं इसका सबसे पहले तीरा ले लूँगी। तीरा मैंने 5 इंचेस रखा है और इसके जो आर्म होल हैं वो 5.5 इंचेस मैंने रख लिए हैं। देखें यहाँ पे जो इसकी फिटिंग रखेंगे वो तकरीबन 6 इंचेस तक। ये मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगी आर्म होल की। और उसके बाद ये मैंने कटिंग कर ली है पेटी की। कटिंग करने के बाद ये इसका नीचे वाला घेरा है और यहाँ पे इसको इसके इक्वल करना है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इसको मैं रखे थी। यहाँ पे बॉक्स प्लेटेड इसकी बना लूँगी इस तरीके से, ये बॉक्स प्लेटेड बन जाती हैं। तो ये मैंने तकरीबन जो है वो 4 बॉक्स प्लेटेड बना के आयरन की मदद से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद ये मैंने कपड़ा लिया है और मैंने पेपर पट्टी ली है, पेपर पट्टी के साथ पेस्ट किया है वाइट कलर में। 1/2 इंचीज मैंने कपड़ा ले लिया है और पेपर पट्टी ले ली है, इसको मैंने इसके साथ पेस्ट करके यहाँ पे फ्रंट पे मैंने शर्ट के दोनों साइड पे इसको मैं अटैच कर लूँगी लंबाई में। ये देखिए एक साइड पे मैंने लगाया, इस तरह दूसरे साइड पे भी। ये देखिए हमने फ्रंट पे पेटी पे मैंने लगा दिया है। नीचे वाला मेरा घेरा जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे फ्रंट पेटी और घेरे को आपस में अटैच कर लेंगे। ये मैंने पेटी और घेरे को आपस में अटैच कर लिया है आपस में सिलाई करने के बाद दोनों को। अब देखिए हमारे पास जो नेक है वो मैंने यहाँ से कटिंग की है, 4 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंचेस 3.5 इंच मैंने रखी है। ये वाइट कपड़ा इस तरह से यहाँ पर मैं रखूँगी और इसकी यहाँ पर मैं पाइपिंग बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसकी सिलाई कर ली है, इसको अब दूसरी साइड पे इस तरह से मैं मोड़ लूँगी यहाँ पे मोड़ के, तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर लूँगी।
ये मैंने इसका नेक का जो है वो इस तरह से पाइपिंग लगा के इसको मैंने सिलाई कर लिया, बिल्कुल सिंपली क्योंकि छोटी सी बच्ची है और उसके लिए इसी तरह से नेक अच्छा लगेगा। ये देखिए ये नेक बन चुका है। बैक साइड पे ये मैंने बटन लगा दिए थे और बैक साइड मैंने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ्रंट साइड बनी है। और ये मैंने इस तरह से कंधे पे कंधों की सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ। और यहाँ पे ये जो इसी कलर में ये मैंने दोनों साइड पे इसकी स्लीव्स बना लूँगी बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में ये मैंने कट करके तो उसके बाद यहाँ पे इसके साथ सिलाई कर लूँगी। और ये मैंने इस तरह से ही मैंने त्रिकोण शेप में ये बहुत से फ्लावर्स कट कर लिए हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्लावर्स बनाने सिखाए थे तो अब ये मैं एक और फ्लावर बनाऊंगी और ये मैं अब आपको फ्रॉक पे फ्लावर बना के लगाना आपको सिखाऊंगी कि आप इस तरह से किस तरह से आप फ्लावर्स बना सकते हैं और अपने ड्रेसेस पे लगाएं तो वो कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ख़ास करके जो हैंडमेड फ्लावर्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आपको बाज़ार से फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये भी यहाँ से भी इस तरह से ये सारी बनाते जाएं। और ये देखिए ये सारे जो हैं लीफ को आपस में अटैच करके उसके बाद इस तरह से ये मेरा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको अब मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। देखिए फ्रॉक के साथ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए हमने ग्रीन कलर का खुद मैंने ये बटन बनाया है और वाइट के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये फ्लावर जो है लग रहा है। अब ये लगाने के बाद मैं साइडों पे जो है इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे मैं ये मैंने लेस जो है ये चूज़ की है वाइट और गोल्डन में और ये मैंने यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे लेस भी अटैच कर दी है। बिल्कुल रॉयल फ्रॉक है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मैंने ये बुटीक में एक देखी थी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी तो मैंने इसको घर में ही बना लिया और बहुत ज़्यादा प्यारी मैंने अपनी भांजी के लिए बनाई है तो वो बहुत क्यूट है और जब ये पहनेगी तो उसे और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये हमारी